नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90 में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पत्र के बारे में बताने आया हूँ, और ये प्रश्न पत्र है द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगमन के सिद्धांत। प्रथम सेमेस्टर है, 2016 का प्रश्न पत्र है। समय आप लोगों को बताया गया है कि जैसा कि 2 घंटे का पेपर होता है और 50 अंक सभी के लिए निर्धारित किए गए हैं। यदि हम लोग पहले निर्देश की बात करते हैं तो पहला निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। दूसरा देख लें कि इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प छांट करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आगे दिया गया है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में आपको देना है और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं पिछले 2016 में। पहला क्वेश्चन आता है कि बहुविकल्पीय, पहला आया है कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, परिभाषा किसने दिया था? तो इसके लिए 1 नंबर सुनिश्चित किया गया है, आप फनल आएंगे इस तरीके से। दूसरा है कि शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, ठीक है, ये किसका है? ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो आप लोग ऑप्शन चूज करके लिख सकते हैं। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से एक ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। चौथा है कि व्यक्तित्व संप्रेषण का उद्देश्य है, तो इसमें क्या होता है आप लोग चूज करके आंसर बता सकते हैं। अब यदि 5वें की बात कर लें तो 5वां आया था कि पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र पर आधारित है, किसके पर आधारित है? तो अब लोग यहाँ पर आप जो भी पढ़ाई किया है उसी के आधार पर इसको बता सकते हैं। अगला है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है क्या है, कथन किसका है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसी ऑप्शन पर चूज करना है। अगला है कि क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वो चूज कर लेना है। अगला प्रश्न आया था कि प्रस्तावना कौशल का घटक है, किसका कितना घटक है? तो आप लोग यहाँ पर बताना है। और यदि हम लोग बात कर लें, ठीक है, 8वें नंबर की बात कर लें तो कहानी कहने के क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार का शिक्षण विधि है? तो आप लोग यहाँ पर जो भी ऑप्शन सही होगा बताएंगे। गणित किट का उपकरण है, ठीक है, यहाँ पर किसका उपकरण है तो आप बता सकते हैं। आगे कि तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है, क्या ठोस होता, क्या होता है आप लोग बताएंगे। और आगे आया था क्वेश्चन 2016 में कि संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आप लोग यहाँ पर बात करेंगे। प्रश्न आया था 13 नंबर आया था कि शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया है क्या है, तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे। अगला प्रश्न आया था कि बच्चों में कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना, दाएं बाएं मुड़ने को कहना, ये सारी गतिविधियाँ क्या कहलाती हैं। आगे है, अगला आया था कि उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है, तो बेटा 15 क्वेश्चन कुल आते हैं, सभी 1-1 नंबर के होते हैं और यहाँ से आप लोग को 15 नंबर प्रदान किए जाएंगे। आगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में 16 नंबर में आया था कि शिक्षण की कोई 2 परिभाषा लिखिए, 1 नंबर का आया था। शिक्षण की 2 विधियाँ लिखिए, 1 नंबर का था। संप्रेषण से क्या अभिप्राय है, 1 नंबर का आता है। खेल पर आधारित 2 शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखना, 1 नंबर का आएगा। और रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या तात्पर्य है, ये भी 1 नंबर का आया था। और आगे है कि दक्षता आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान लिखिए, ये भी 1 नंबर का आया था। आगे है कि उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कोई 2 विशेषताएं आपको बताना है, ये भी हमारा आया था 1 नंबर का। और 23 नंबर क्वेश्चन था कि शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। 25 नंबर आया था कि शिक्षण के संज्ञात्मक क्षेत्र का बाल की किन क्रियाओं से संबंध है। और 25वां नंबर है पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है। 26वां है सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य बताएं। 27वां है कि शिक्षण की अधिगम विधि से क्या अभिप्राय है।
28वां है कि बाल से अज्ञात की ओर, ठीक है, सॉरी ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तत्व पर आधारित है। 29 नंबर आया था कि शिक्षण में अधिप्रेषण प्रेरणा का स्रोत क्या है। अगला 30 नंबर था कि अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, इस कथन से क्या अभिप्राय है। अगला प्रश्न आया था लघु उत्तरीय प्रश्न में कि संप्रेषण का की कक्षा अध्ययन के लिए क्या उपयोगिता है, स्पष्ट करना है। 2 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। और यदि बात कर लें तो 32 नंबर में कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का क्या महत्व होता है, प्रयोग प्रदर्शन युक्त से आप क्या समझते हैं, बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर होता है, बहुकक्षा शिक्षण क्या है, शिक्षक में इसकी क्या उपयोगिता है, शिक्षण कौशलों में एकीकरण का क्या अर्थ है, कक्षा शिक्षण में इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए, उपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों को समझाना है आपको, शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं, शिक्षण में दृश्य उपकरणों की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए, अध्यापक के लिए सांपट्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री है, इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं आप, आपको कार्ड बताना है, और उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं, मंदबुद्धि छात्रों के लिए किस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। तो टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर ही होंगे, तो आप लोग इसे मैनेजमेंट करेंगे और इन सभी के मैं आंसर लाने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए यदि आप लोग आंसर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे मैं जैसे ही आंसर लाऊंगा तुरंत नोटिफिकेशन आप लोग को पहुँच जाएगा। BTC के व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ने के लिए आप लोग को नीचे लिंक दे दिया जाएगा, उसी लिंक पर जाकर के आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िए, और भी कई सारे पेपर हैं जो कि नीचे लिंक में दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर के उसको लोड कर सकते हैं। चलिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए अच्छे से, मस्त रहिए।